नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, या ऐसा बोल सकते हो कि एक जो वैकेंसी आपके लिए है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऐसे है जो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे ये आने के बाद कि क्या है, बार्क में वैकेंसी आई है तो किस प्रकार की वैकेंसी है, कुछ ट्रेनिंग के पोस्ट है, कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हैं, तमाम जानकारी, मतलब कि इस सेशन में इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी की कैसे इसमें आपको फॉर्म भरना है, कौन एलिजिबल है, एज क्या होनी चाहिए, नौकरी आपकी कहाँ लगेगी, एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा, नौकरी लग जाएगी तो पोस्टिंग आपकी कहाँ पे होगी, और उसके बाद सैलरी क्या बनेगा। जो ट्रेनी वाले बच्चे हैं वो ट्रेनी करके ही हो जाएंगे या फिर वो स्थायी पद भी पाएंगे, वो कहीं एब्जॉर्ब करेंगे या फिर कहीं ज्वाइनिंग दी जाएगी उन्हें। तो तमाम सारे ऐसी जानकारी के साथ इस वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है इस वीडियो के अंत में जब आप पहुंचेंगे, इस पूरी वीडियो को देख लेंगे, तो आपके सामने कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा इस वैकेंसी को लेके। साथ में ही इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है और कैसे हमें सिलेक्शन लेना है, इसकी भी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। आप लोग जानते होंगे इसका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र में है। हालांकि महाराष्ट्र मतलब ये नहीं है कि इसकी जो ज्वाइनिंग होगी महाराष्ट्र में होगी, वो ऑल ओवर इंडिया जहां पे भी आपके डीएई के क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं, कहीं पे ही हो जाता है। डीएई मतलब होता है डायरेक्ट एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो होता है वो डीएई होता है, और ये इसी के अंतर्गत बार्क भी काम करता है। तो बार्क में भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट सभी लोग जानते होंगे। अब इसमें कौन कौन से पद हैं उसके लिए सबसे पहले बता दूं, फॉर्म जो फिलिंग चालू होगा वो 24/4 से चालू होगा और 1 महीने फॉर्म ओपन रहेगा, 22/5/2023 तक रहेगा। आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी है, चाहे वो एज कैलकुलेशन हो, चाहे फिर आपका क्वालिफिकेशन हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब कुछ इसकी क्लोजिंग डेट मतलब 22/5/2023 के पहले पहले, यही लास्ट डेट है, क्रिटिकल डेट है, इस बात को समझना है। अब कितने प्रकार के पद हैं, एक इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एक इसमें ट्रेनिंग स्कीम है, और जो दोनों मिला के टोटल पद हैं वो 1 2 3 4 5। ये मैं इसलिए बता रहा हूं पांच पद इसलिए हैं क्योंकि एक पोस्ट पे एक ही बच्चा भर सकता है, और अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पे भरना है तो वो सारे ही फॉर्म अलग अलग होंगे, मतलब सबकी फीस अलग अलग सबमिट करनी पड़ेगी। एक बार में आप एक ही पोस्ट का करोगे, कौन कौन से, या तो टेक्निकल ऑफिसर, या तो साइंटिफिक असिस्टेंट, या तो टेक्नीशियन, या तो कैटेगरी 1, या तो कैटेगरी 2। ये भी मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो बच्चे एलिजिबल हो पाएंगे वो किसमें होंगे, वो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, ये आपके ट्रेनिंग वाले, और टेक्नीशियन यहाँ पे जो आपके 24 पद है इसके लिए हो पाएंगे। टेक्निकल ऑफिसर के लिए ये अलग से आपकी एलिजिबिलिटी, जैसे इसमें बीटेक और कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज वगैरह मांगी है, इस कारण से सारे बच्चे उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपके लिए जो ज्यादा कंसंट्रेटेड वाला है वो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 टेक्नीशियन। अभी आपको दिख रहा होगा स्टाइपेंडरी ट्रेनी, यहाँ पे दिख रहा होगा स्टाइपेंडरी ट्रेनी का मतलब मैं पहले ही समझा देता हूँ, फिर मैं आगे इसको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। स्टाइपेंडरी ट्रेनी ये है कि आप एज अ ट्रेनी 2 साल के रिक्रूट होंगे, जैसे कि अभी जितने भी आप विभाग देखते होंगे उसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, इसमें भी वही है, बट इसमें यह है कि ट्रेनी में आपको ट्रेंड किया जाएगा और वहां पे सैलरी आपकी थोड़ी सी कम रहेगी। आप देख रहे हो 22,000 और 26,000, या फिर 20,000 और 24,000। बट अगर आप लेवल 3 की बात करो, जैसे हम टेक्नीशियन बी की बात करें, ग्रुप सी की जो होती है लेवल 3 पे, इसकी भी जो इनहैंड सैलरी आती है, हालांकि इसमें अलाउंसेस वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, बार्क वगैरह में जो भी हमारे डीएई के अंतर्गत आते हैं उसमें अलाउंसेस बहुत अच्छे होते हैं, तो ये सैलरी जब की होती है वो बढ़ के 35-36,000 पहुंच जाती है। यहाँ पे भी अलाउंसेस के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, बट यहाँ पे ये आपका स्टाइपेंड रहेगा और ये आपकी सैलरी रहेगी। लेकिन 2 साल बाद आप इन दोनों पद से एक बार यहां पे रिक्रूट हो जाते हो, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, जब 2 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड पूरा होगा तब आपसे एक इंटरव्यू कराया जाएगा, और वो इंटरव्यू जो होगा उसके बाद आप लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 इवन लेवल 7 तक की किसी भी पद पे परमानेंट जॉब पा सकते हो, इनमें से टेक्नीशियन में से या साइंटिफिक असिस्टेंट में से, इन दोनों पद में से। तो अभी तो ये पद यहां पे कम दिख रहे हैं, लेकिन जो ये पद यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कम दिख रहे हैं, ये वही पद हैं जो 2 साल बाद ये बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर टोटल वैकेंसीज देखो तो 2,946 ये 1,216, लगभग 4,200 वैकेंसी आपका ये है, और अगर यहाँ पे देखा जाए 200 वैकेंसी है तो लगभग 4,400 वैकेंसी, हम 4,500 वैकेंसी बोल सकते हैं, जिसमें से 4,400 वैकेंसी ज्यादातर बच्चों के लिए यहाँ पे यूजफुल है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, इनके बारे में बोलता हूँ, बहुत अच्छी जॉब है, रेपुटेटेड जॉब है। जब आप किसी डीएई या ऐसे में वर्क करते हो तो आपके साथ जो टैग लगता है वो साइंटिस्ट का टैग लगता है कि हाँ हम इसमें साइंटिस्ट रहे हैं, भले ही आप छोटी पोस्ट हो बट आपकी जो ग्रेविटी होती है वो बढ़ जाती है, और सैलरी तो आपको अच्छी मिलती है क्योंकि अलाउंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, रहने का खाने का सब कुछ, कॉलोनी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी मिलती है, ये बात आप समझिएगा।
आते ही ये बाकी ये वाला जो सेक्शन है इसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय ज्यादा जा सकता है, तो इसको मैं एक अलग से भी बताऊंगा। बस इन शॉर्ट आप समझ लो कि जितने भी डिसिप्लिन है, जैसे टेक्निकल ऑफिसर है, तो टेक्निकल ऑफिसर में अलग अलग डिसिप्लिन है। अलग अलग डिसिप्लिन मतलब इसे कोड जो दिया गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोड 01 से लेके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 015 तक पूरा का पूरा ये जो कोड है ये आपके टेक्निकल ऑफिसर का है। टेक्निकल ऑफिसर की अलग अलग स्ट्रीम है, जैसे बीटेक इसमें मांग रहा है, लेकिन बीटेक की भी स्ट्रीम अलग होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, या फिर यहाँ पे सिविल का हो गया, एमएससी अलग अलग ट्रेड से हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, या फिर बायोसाइंस, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये कंप्यूटर साइंस से बीटेक हो गया। तो इनके अलग अलग के एक एक दो दो तीन तीन पद है यहाँ पे, उन सब के लिए अलग अलग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो जो बच्चे टेक्निकल वाले हैं वो इस बार इसे सही से देख लेंगे। इसका जो आपका पीडीएफ है वो परीक्षा प्रेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। परीक्षा प्रेस का टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं यहाँ पे आगे बात करूं तो दूसरा जो है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट। अब यहां से आपको इंटरेस्ट लेना है क्योंकि यहाँ पे जनरल बीएससी मांगा गया है। अब बीएससी मतलब बीएससी है या कि इसका समकक्ष नहीं है, जैसे अगर फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस न्यूट्रिशन में है, 7 पद है टोटल, बीएससी इसमें फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस न्यूट्रिशन से होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट ओवरऑल। बीएससी की डिग्री में सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ के अगर निकाला जाए तो आपके 60% होने चाहिए। दूसरा अगर देखा जाए तो बॉयलर अटेंडेंट है, इसमें भी 24 पद है, इसमें एसएससी प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट। इसमें जिन बच्चों के पास ये बॉयलर के अटेंडेंट सर्टिफिकेट होंगे वही कर पाएंगे। एसएससी मतलब कि 12th लेवल का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे आप सबसे ज्यादा स्किप कर लो, ट्रेनिंग स्कीम, ये सबसे अच्छा है आपके लिए। इसलिए अच्छा है क्योंकि ट्रेनिंग स्कीम में ये कैटेगरी वन जो है वो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है। इसमें आपको क्या करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन किसके लिए किया गया है, जो डिप्लोमा 3 साल के हों या फिर 12th के बाद 2 साल का HSC या ITI या BSc का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपका या तो 3 साल का डिप्लोमा हो या SSC आफ्टर SSC हो, ठीक है ना। SSC मतलब 12th के बाद 3 साल का डिप्लोमा हो या 2 साल HSC के बाद ITI BSc ये होना चाहिए। अगर इसमें आपका होता है कंप्लीट, अगर जो MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले होते हैं वो भी BSc के ही अंतर्गत माने जाएंगे। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें BSc बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, BSc इन अलाइड बायोलॉजिकल साइंस में होना चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें BSc केमिस्ट्री में होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, या फिर आप BSc क्या हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट विद इक्वल वेटेज, तीनों के वेटेज इक्वल हो। मतलब अल्टीमेटली आप वो चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, या फिर आपके अन्य हो, तो इसमें आप इन जनरल BSc हो गए तो आप इस पद के लिए एलिजिबल रहोगे। आपका सिंगल पेपर होगा, ऐसा नहीं कि इन सब के लिए अलग अलग पेपर होगा, कॉमन पेपर होगा क्योंकि सब में कॉमन BSc भी मांगा हुआ है। जो पेपर होंगे आपके इसके हिसाब से होंगे, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के हिसाब से होंगे, इसके हिसाब से पेपर नहीं होंगे कि फिजिक्स का अलग, कंप्यूटर साइंस का अलग, एग्रीकल्चर का अलग। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको शुरू में बता दूं कि इस पेपर में, इस वैकेंसी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंटरव्यू। इंटरव्यू के बिहाफ पे इसमें सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट में केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे ऊपर वाले पद जो है जो टेक्निकल ऑफिसर के हैं उनमें तो केवल इंटरव्यू होगा। उनमें स्क्रीनिंग टेस्ट केवल इस कंडीशन में होगा जब नंबर ऑफ फॉर्म बहुत ज्यादा अप्लाई होंगे तो, वरना नहीं। ज्यादा चांस है कि इसमें केवल इंटरव्यू होगा, किसमें, टेक्निकल ऑफिसर में। बाकी दूसरे वाले में अगर हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट वाले में, तो उसमें आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू होगा, और उसमें भी आपकी जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस पे होगा। जो तीसरा है आपका, जिसमें हम क्या बात करें कि यहाँ पे ट्रेनिंग वाला मतलब कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 वाला, इसमें आपके 3 टेस्ट होंगे। एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दूसरा आपका क्या होगा, एडवांस टेस्ट होगा, तीसरा आपका स्किल टेस्ट होगा। इसके बारे में मैं सारी चीजें बताता हूं, लेकिन अभी इसमें समझ लेते हैं कि सारे में अलग अलग वैकेंसीज कैसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का है, मैकेनिकल, मेटलर्जी, आर्किटेक्चर, सिविल, ऑटोमोबाइल, इन सब में डिप्लोमा मांगा हुआ है। आप देख लो डिप्लोमा, उसके बाद में बोला है कि 12th के बाद में 3 साल का डिप्लोमा हो या फिर आपका BSc के बाद क्या होना चाहिए, 2 साल का आपका HSC वगैरह होना चाहिए। वो आप अच्छे से मैं अलग से समझा दूंगा, उसमें ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो बनाना बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें फिर देखो इनके लिए रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। कैटेगरी 2 में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ये भी अलग दिया है, जिसमें फिटर हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, मैकेनिक मशीन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, या फिर आप देखो मैसन हो गया, प्लंबर हो गया, कारपेंटर हो गया, डीजल मैकेनिक, प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक, ये सारे के लिए। और इनमें अलग अलग है, इनमें कुछ में SSC मतलब कि 12th के साथ 60% हो प्लस ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ में आपका HSC मांगा हुआ है विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे
इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेनिंग वाले होंगे उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, मतलब आपकी केवल हाइट मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा? हाइट मांगा जाएगा, और हाइट कितनी होनी चाहिए? 160 होनी चाहिए, ठीक है। हाइट कितनी होनी चाहिए? 160 होनी चाहिए, और मिनिमम वेट 45.5 होना चाहिए, या फिर अगर मेडिकली फिट है तो ये रिलैक्सेबल भी है, कोई इतना दिक्कत नहीं है। एज क्या होनी चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है, तो एज का मैं आपको बता दूं, एज का क्या है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 18 से 35 साल है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से 30 है, और टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 है। जो आपके ट्रेनी वाले हैं उनको ध्यान दो, तो एक जो कैटेगरी वन है वो 19 से 24, और जो कैटेगरी टू है वो 18 से 24 है। बाकी रिलैक्सेशन सब में वैसे ही है जैसे ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल, पीडब्ल्यूबीडी 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी 15 साल, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा कि छठ में ये एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल ये सारे जो 6 से लेके हैं, ये जो रिलैक्सेशन है ये केवल आपके कौन से के लिए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, और जो आपके टेक्नीशियन है उन पदों के लिए है, बाकी के ऊपर के जो 3 पद है उनके लिए केवल है, बाकी रिलैक्सेशन ट्रेनिंग वालों के लिए नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। दूसरी चीजें मैं आपको अगर बता दूं, अच्छा ये जो एज कैलकुलेशन है, ये सब जो सब कुछ है, ये आपके फॉर्म भरने के क्लोज लास्ट डेट तक होनी चाहिए, क्लोजिंग डेट तक होनी चाहिए, उसमें होना चाहिए। फिर एज रिलैक्सेशन इंडिकेटेड, ये वही बताया है जो मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन मेथड देख लो, टेक्निकल ऑफिसर में इसने क्या बोला है कि केवल इंटरव्यू के बिहाफ पे होगा, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, इन केस द रिस्पॉन्स इज मोर दिस इंटरव्यू रिजर्व द राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाई कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट इन द कंसल्ट डिसिप्लिन ऑन ऑल इंडिया बेसिस। समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि अगर ये कराएगा इंटरव्यू, इनकेस ज्यादा संख्या में फॉर्म आ गए तब जाके ये क्या करेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा, तो चांसेस कम है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए क्या है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट इसने पहले रख दिया है, 40 क्वेश्चन होंगे, इसको मैं बता दूं कितने होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मार्क होगा वो 3 मार्क्स का, निगेटिव होगा 1 मार्क्स का, ये आप ध्यान दीजिएगा। 40 क्वेश्चन इसमें पूछेगा क्या, इसमें मैथ्स पूछेगा आपका, इसमें आपका क्या पूछेगा, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस पूछेगा, और इसमें क्या पूछेगा, साइंस पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। ये 10 और 20 नंबर का पूछा जाएगा। ये मैं अभी आपको समझा देता हूं कि कहां पे कैसे इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो पैटर्न आपको बता दे रहा हूं। तो 40 क्वेश्चन का स्क्रीनिंग होगा और एडवांस टेस्ट इसके बाद किया जाएगा। चलिए, तो यही बोल रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, विल कंप्राइज ऑफ 40 मल्टीपल क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहेंगे, 3 मार्क्स का पॉजिटिव रहेगा, 1 मार्क का निगेटिव रहेगा। द सिलेबस, इसका सिलेबस जो रहेगा वो आपका डिप्लोमा या बीएससी लेवल में जो आपने पढ़ा है उसके आधार पे ये क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है, जो इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट का साइंटिफिक असिस्टेंट वाले के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो फाइनल सिलेक्शन, इसमें भी इंटरव्यू बेसिस पे ही होगा, इसमें वो केवल आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, मार्क्स नहीं जोड़ेगा। टेक्नीशियन और कैटेगरी टू स्टाइपेंडेड ट्रेनी के लिए, ठीक है, कैटेगरी वन के लिए भी नहीं, जो टेक्नीशियन, क्योंकि कैटेगरी वन तो इसी में आ जाएंगे, साइंटिफिक असिस्टेंट और ट्रेनी कैटेगरी वन के लिए केवल क्या होगा, इसका इंटरेस्ट होगा 40 क्वेश्चन, जो डिप्लोमा के बेसिस पे आपका सिलेबस होगा, और 4 ऑप्शन होंगे, 3 नंबर का पॉजिटिव, 1 नंबर का निगेटिव, मतलब 1/3 निगेटिव पे पेपर होगा, मार्क्स उसके नहीं जुड़ेंगे, इंटरव्यू बेसिस पे वो भी होगा। दूसरा जो है टेक्नीशियन बी या फिर कैटेगरी जो 2 है स्टाइपेंडरी ट्रेनी, इसमें आपके 3 टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स, एडवांस और स्किल। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो एडवांस के नंबर पे मेरिट बनेगा, लेकिन इसमें 20 मैथ्स पूछेगा प्रीलिम्स में, 20 आपका साइंस पूछेगा, और 10 आपका जनरल अवेयरनेस पूछेगा, टोटल 50 क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में, और ऐसे ही 85 क्वेश्चन आपका किसमें पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन आपका एडवांस वाले पूछा जाएगा। द टेस्ट विल कंपेयर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 घंटे का होगा, 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव, और मेरिट लिस्ट इसी स्टेज के बिहाफ पे बनाया जाएगा। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 30% होना चाहिए जनरल के लिए, 20% अदर पोस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में जो होगा, स्किल टेस्ट होता है गो और नो गो बेसिस पे होता है। ये अगर आप देखे होगे तो जैसे जो भी ये टेक्निकल वाले पोस्ट होते हैं इनमें आपके जो साइको टेस्ट जिसे आप बोलते हो, ये वो स्किल टेस्ट होते हैं, इनमें आपका टाइपिंग डेटा एंट्री ये नहीं है, इसका स्किल टेस्ट बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये बात समझिएगा। ये मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये गो और नो गो बेसिस क्या है, अभी आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि है क्या, आपको एग्जाम्पल के साथ सब कुछ लगा के इसके साथ पूरे प्रूफ के साथ कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें आपको बार्क की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, 24 तारीख से ओपन हो जाएगा। और ये जो आपकी फीस कितनी लग रही है, तो ट्रेनिंग वाले के लिए 150 और 100 रुपए लग रही है, किसके लिए, कैटेगरी विथ फिक्स जंक्शन, और 150
SC ST PWD वुमेन के लिए, और बाकी के लिए यहाँ पे अगर देखो 500 किसके लिए लग रहा है, ये बाकी अन्य पोस्ट के लिए टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए। तो अलग अलग का अलग अलग फी है, इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए भी भर सकते हो, सेंटर आपका अलग अलग है, जैसे कोई कोल्हापुर ले, लखनऊ, मदुरई, कहीं भी अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर भी होंगे। पोस्टिंग भी आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है सिलेक्शन के बाद। और जो आपका ट्रेनी वाला है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 2 साल आप पहले क्या करोगे, एज अ ट्रेनी लोगे, उसके बाद लेवल 2 लेवल 3, जैसे यहाँ पे दिया है ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद आपका क्या होगा। तो जैसे जो कैटेगरी 1 वाले हैं वो साइंटिफिक असिस्टेंट में होंगे, वो लेवल 7 में सीधा रहेंगे। 44,900 से इनकी इनहैंड सैलरी आएगी, इनिशियल सैलरी आएगी, एंट्री पे होगी, जो अलाउंसेस के बाद बढ़ के 70,000-80,000 पहुंचेगी। ऐसे ही कैटेगरी 2 में टेक्नीशियन, टेक्नीशियन सी, टेक्नीशियन बी, ये डेंटल टेक्नीशियन, ये जो कैटेगरी 2 वाले होंगे ये किस लेवल पे जाएंगे, 3, 4, 5 इंटरव्यू के अलग अलग लेवल पे। एंट्री जो आपकी पेमेंट होगी 21,000, 25,000 और 29,000 पे, ये आपके अलाउंसेस के साथ बढ़ के 21 वाला कम से कम 40,000 के पास जाएगा, 25 वाला कम से कम 55,000 के पास जाएगा, 29 वाला कम से कम 60,000 के पास जाएगा। ये क्योंकि अलाउंसेस में बहुत ज्यादा है, साफ साफ लिखा है इन एडिशन टू एंट्री पे अलाउंसेस विल बी एडमिशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। ये सारे अलाउंसेस मिलेंगे और अच्छे से मिलते हैं इसमें। बाकी इसमें बॉन्ड का भी प्रोविजन है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो 3 साल आपको सर्विस देनी पड़ेगी, अन्यथा क्या हो जाएगा, आपको जितना आप सैलरी उठाए हो, जितना आप बाहर से पैसा लियो, वो पैसा आपको भरना पड़ेगा, तभी आपको वहां से NOC पास हो पाएगी। इस बात को भी समझते हुए चलिएगा। बाकी जनरल कंडीशन वो सारी चीजें वैसी होती है जैसे सारे एग्जाम में होती है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था, बट उम्मीद है कि इसमें आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं इंसॉल्ट अगर आपको बता दूं कि क्या है ये सारी चीजें, हाँ, अगर मैं एक एक इसमें बता दूं एक्सप्लेन करके कि है क्या, तो बस इसमें आपको इतना समझते हुए चलना है कि ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं है, सब कुछ सेम है। 5 टाइप के पोस्ट है, टोटल 5 टाइप के पोस्ट हैं, आप 5 में 5 भर सकते हो, लेकिन सबके लिए अलग अलग फीस लगेगी। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ट्रेनी वाले की, कैटेगरी 1 के लिए और कैटेगरी 2 के लिए, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए, ठीक है। इसके ऊपर ये वाले जो पद हैं, ये आपके टेक्निकल ऑफिसर है, मैं TO यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिक असिस्टेंट है, इसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, और यहाँ पे टेक्नीशियन है, ठीक है, टेक्नीशियन। हालांकि इसमें ये दोनों में पोस्ट कम है, लेकिन ये ट्रेनी है, ये ट्रेनी ही 2 साल बाद जाके इन पोस्टों पे होंगे। सैलरी बहुत अच्छी खासी है, एज जो है लगभग वैसे तो 18 से लेके 35 साल में बोलूंगा, इसमें 18 से 35, इसमें 18 से 30, मिनिमम 18 है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो मैक्सिमम एज 35 है, ये 30 है, ऐसे ही यहाँ पे 30 है, ये आपका 24 है और ये आपका 22 है, ये मैक्सिमम एज की बात कर रहा हूँ। इसमें आपका क्या है, इसमें आपका ग्रेजुएशन है, बीटेक वगैरह मांगा हुआ है, इसमें आपका डिप्लोमा लेवल का है, ये BSc लेवल का है, ये जो है आपका ये BSc लेवल का है, ठीक है, ये आपका डिप्लोमा लेवल का है, और उसके बाद आपका ये 12th लेवल का है, और जो कैटेगरी 2 है ये आपका 10th लेवल का है, ठीक है। अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और इसके बिहाफ पे आपके जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे है, लगभग 3,000 पद यहाँ पे है और 1,200 पद यहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा पद अभी आपके यहाँ पे है। फॉर्म भर दीजिए, बहुत अच्छा है, तैयारी कर लीजिए, इंटरव्यू बेसिस पे आपका होना है, और सबसे अच्छी बात है कि इंटरव्यू केवल इन पे है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू होना है, इसमें सीटें बिक जाएंगी, इसमें केवल उनके रिलेटिव वाले हो जाएंगे, तो वो भाई केवल आपके 2 पद के लिए, बाकी सब में तो आपका किस पे होना चाहिए, रिटन टेस्ट पे, जो एडवांस टेस्ट होगा ना उसके भी आप पे होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मैथ 20 साइंस और आपका 10 आपका क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस। तो आपको मैथ और साइंस केवल पढ़ना है यार, पढ़ के आप दे दो, बढ़िया से आपकी नौकरी लग जाएगी, कुछ करना भी नहीं है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आएगी। अगर कोई प्रश्न आपका रह गया है, कोई डाउट रह गया है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हो, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दिया जाएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।